यास चक्रवात से लोगों की बड़ी मुसीबत। कहीं लोगों के घर आंधी में उड़ गए तो कहीं पेड़ व बिजली के पोल गिरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश एवं तूफान से हुई तबाही अब नजर आने लगी है। वर्षा के साथ आई तेज हवा ने गरीबों के छप्पर को उड़ा दिया। किसानों के आम के फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सब्जी की खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में आम के फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रखंड के बिस्फी, नूचक, जफरा, मुकदमपुर, सुहास, परसौनी, बलहा आदि पंचायतों में सब्जी की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। अत्यधिक बारिश के कारण सब्जियां पानी में डूब गई हैं। बीडीएम विनोद कुमार ने बताया कि किसान सलाहकारों से क्षति का आंकलन कराया जा रहा है। सोमवार तक आंकलन रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। वहीं प्रखंड क्षेत्र के नूचक पंचायत के सदगरा गांव अवस्थित भारी बारिश होने के कारण जल जमाव से कुकरवा एवं धजवा के मुख्य सड़क बीचों बीच से टूट गए, जहां लोग बाल बाल बचे। स्थानीय लोग राजेश कुमार दास, सुनील दास, संजय दास, पिंटू दास, दिलीप दास, देवेंद्र दास, अनिल दास, विशाल दास, कर्ण दास, अर्जुन दास, हेरा सहित लोगों ने बताया कि सड़क के निर्माण में मिट्टी का कार्य करीब 6 महीने पहले ही हुई थी, जिसके बाद जैसे का तैसे छोड़ दिया गया था, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि हम लोगों का यह मुख्य सड़क है, जो आवागमन काफी ठप हो गया है। अब तक यहाँ पर कोई जन प्रतिनिधि देखने तक नहीं आए। ये जो है बरसात का पानी काफ़ी जिस हिसाब लग गया था, इसके वजह से जो है पानी की परिस्थिति के कारण जो है ये रोड असग्रस्त हो चुका है। और ये बहुत बिजी ही रोड है सर, जिससे कम से कम लोगों को आना जाना चालू रहता है। ककोरवा का लोगों का साथ जुड़ना धजवा सतगारा होते हुए धजवा जाने का ये मेन मार्ग है। इस रोड में निर्माण कार्य नहीं हुआ था क्या? जी नहीं हुआ, इसका मिट्टी करने का काम कुछ दिन पहले हुआ था, जो इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन से पहले, उसके बाद इसका काम का ठप बंद है। इसके बाद कोई यहाँ पर प्रशासन तक भी नहीं आया, कोई यहाँ पे जो है लोकल नेता नहीं आया देखने के लिए, कोई नहीं आया। इसका यहाँ के जो मुखिया है नहीं है, मुखिया जी भी नहीं आए, अभी मुखिया जी को जैसे मालूम चलेगा। उसके बाद सूचना दिए हैं आप लोग? नहीं, अभी तो सूचना नहीं दिए हैं। सूचना नहीं दी है तो ये मतलब रोड का कार्य मिट्टीकरण करके छोड़ दिया गया? मिट्टीकरण का काम किस योजना के तहत बन रहा था? अब ये इसकी जानकारी सर हम लोग के पास नहीं है। फिर आप लोग कैसे आवागमन कर रहे हैं? देखते हैं, अभी आपके सामने में है, यही है कि इसके बाद कुछ प्रशासन यहाँ पे कुछ इसका कर दे जो आना जाना चालू हो जाए। इससे कुछ दिन पहले मिट्टीकरण का काम जो हुआ था, जो सही से सफलतापूर्वक नहीं हुआ, इसीलिए इसका टूटने का वजह यही है। क्या हुआ? इसका टूटने का मेन मुद्दा यही है कि इसका निजीकरण जो सही से नहीं हुआ होगा, इसलिए इसका काम टूट गया। यहाँ पे अगर वो सही से, अगर और ये लगा के कम से कम तीन चार बार यहीं पे यही स्थान पे हर एक साल जो है बाढ़ में टूट जाता है। बाढ़ में टूट जाता है? जी जी जी। उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता है यहाँ पे?